आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग द्वारका के अंदर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। आज की जो मैं प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ, द्वारका सेक्टर 15 के अंदर प्रॉपर्टी लेके आया हूँ और सिर्फ पार्क से 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। गुड़गांव नोएडा आप इजीली निकल सकते हो विदाउट एनी ट्रैफिक। अगर आपकी गुड़गांव में जॉब है तो ये बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। 2 BHK और 3 BHK मिलने वाला है। 500 गज की पूरी सोसाइटी रहने वाली है हमारी और इस पार्क में आपको वाटर बॉडीज भी देखने के लिए मिल जाती है, झूले वगैरह लगे हैं और मॉर्निंग के टाइम आपको ये पार्क ओपन मिलता है। इस प्रॉपर्टी के 500 मीटर की डिस्टेंस में 2 पार्क आपको मिलते हैं जो कि बड़े बड़े हैं। तो चलते हैं एक बार प्रॉपर्टी के पास और आपको सारी लोकेशन समझाते हैं और सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करते हैं, प्रॉपर्टी दिखाते हैं किस तरह की हमारी प्रॉपर्टी बनी है अभी। तो चलते हैं एक बार प्रॉपर्टी पे और आपको सारी चीजें दिखाते हैं। सो आई होप अभी तक आपने वीडियो को एंजॉय किया हो और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपका फायदा है। हो सकता है आपको कोई ना कोई हमारे फ्लैट की वीडियो पसंद आए। तो पहले कर लेते हैं अपने लिविंग की बात। अगर मैं लिविंग की बात करूं तो यहाँ पे अराउंड 15 पीपल की सिटिंग आपको मिल जाती है। स्पेस बहुत अच्छा है, फुली फर्निश फ्लैट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। 4 सीलिंग फैन एज इट इज आपको करके मिलने वाला है। ग्लास का वर्क आपको इस साइड मिल जाता है, इस साइड भी आपको ग्लास का वर्क मिलता है। तो जो काम किया हुआ है, अगर मैं काम की बात करूं तो बहुत ही यूनिक और कुछ डिफरेंट काम करके मिल जाता है। सिटिंग का इस साइड आपको स्पेस मिल जाता है और बिल्कुल सिटिंग के अपोजिट मिल जाता है टीवी पैनल। अगर मैं टीवी पैनल की बात करूं तो अराउंड 55 इंचेस की LED आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं सामान रखने के लिए। AC की आपको इनबिल्ट फिटिंग मिल जाती है। और थोड़ा सा मैं मैप को डिफाइन कर देता हूं आपके लिए, इजी हो जाएगा समझना। एंट्री करते ही आपको लिविंग मिल जाता है, इस साइड आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, किचन आपको मिल जाती है इस साइड चिमनी हब के साथ, और एक बेडरूम हमारा इस साइड आ जाता है बालकनी के साथ, एक बालकनी के साथ हमारा ये वाला फ्लैट आ जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट बेडरूम की। अगर मैं बेडरूम के साइज की बात करूं, अराउंड आपका ये जो फ्लैट का साइज है अराउंड 12x12 के अप्रोक्स का ये बेडरूम का साइज रहेगा। दोनों तरफ आपको वार्डरोब मिल जाती है, स्पेसिस वार्डरोब है। नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, बेड के बिल्कुल एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है टीवी पैनल, जहां आप 55 इंच की LCD आराम से प्लेस कर सकते हो। ये था अपना फर्स्ट बेडरूम। तो अब बात कर लेते हैं अपने किचन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेडीज के लिए। अगर मैं किचन की बात करूं तो
आरओ का सेक्शन हमने सेपरेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आरओ आ जाएगा, यहाँ पे हॉट और कोल्ड वाटर की टैप रहेगी, साउंड प्रूफ सिंक रहेगा और एल शेप में आपको किचन मिल जाती है फुली मॉडलर। ग्लास का प्रॉपर वर्क है, चिमनी हम आपको लगा के दे रहे हैं, इस साइड आपको विंडो मिल जाती है किचन में भी। और साथ ही अगर मैं फ्रिज की बात करूं तो फ्रिज आप बाहर भी प्लेस कर सकते हो, अदरवाइज अंदर भी हमने स्पेस दिया हुआ है तो अंदर भी आप प्लेस करते हो, बाहर आपको डेकोरेटिव आइटम्स रखने का स्पेस मिल जाता है। अब बात करते हैं वॉशरूम की, अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो एंड तक आपको टाइलिंग्स का प्रॉपर वर्क मिलेगा, सैनिटरी फिटिंग्स आपको पूरी करवा के देंगे हम, बाहर आपको स्पेस दे देते हैं हम हैंड वॉश का। अब बात कर लेते हैं सेकंड बेडरूम की, अगर मैं बेडरूम के साइज की बात करूं तो अराउंड ये 14x12 का आपका बेडरूम का साइज रहेगा, पीछे कूलिंग का वर्क है, दोनों साइड आपको स्पेस मिल जाता है और साथ में आपको इस साइड वार्डरोब मिल जाती है, वॉल फिटेड वार्डरोब मिलेगी आपको यहाँ पे। बेड लगने के बिल्कुल एडजेसेंट आपको मिलेगा टीवी पैनल, टीवी पैनल की भी बात करूं तो काफी ह्यूज टीवी पैनल मिल जाता है यहाँ पे, देख सकते हो हर रूम में आपको टीवी पैनल मिल जाता है। तो अब दिखा देता हूं बालकनी टीवी पैनल, आपने देख ही लिया होगा। बालकनी की अगर मैं बात करूं तो बालकनी का स्पेस यहाँ देख सकते हो कितना, काफी ज्यादा स्पेसेस आपको बालकनी का स्पेस मिल जाता है, एंड तक प्रॉपर टाइलिंग्स का वर्क है और मेन रोड की बिल्डिंग है अपनी। तो अब दिखाता हूं आपको लास्ट बेडरूम, थर्ड बेडरूम। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉल कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपका फायदा है। मैं चाहता हूं दिल्ली शहर में सबका अपना घर हो, सस्ते से सस्ता हो और लग्जरी से लग्जरी हो। थर्ड बेडरूम की बात करूं तो अराउंड ये आपको मिल जाता है 10x12 का स्पेस है और साथ में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। अटैच वॉशरूम के साथ में आप यहां देख सकते हो पूरा पीछे कुल्टिंग का वर्क किया हुआ है, बहुत ही शानदार लग रहा है। साथ में आपके बेड की प्लेसमेंट ऐसे आ जाएगी, 6x6 का बेड ऐसे आएगा और बिल्कुल एडजस्टमेंट आपको टीवी पैनल मिलेगा। वार्डरोब की अगर मैं बात करूं तो वार्डरोब आपको स्लाइडिंग मिल जाती है, इस साइड आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, मिरर वगैरह लगाया हुआ है हमने अंदर। और वॉशरूम एक बार दिखा सकते हो हमारा स्पेसेस, वॉशरूम रहेगा, ज्यादा डिटेल्स के लिए क्या करना है आपको हमारे सेल्स टीम को कांटेक्ट करना है और इस फ्लैट को विजिट करना है, नियर बाय मेट्रो है द्वारका मेट्रो स्टेशन, हो सकता है आपने मेट्रो देख ली हो जब मैं पार्क में खड़ा था, अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो आपको पता चल गया कितना बढ़िया फ्लैट रहने वाला है, कितनी बढ़िया लोकेशन पे फ्लैट मिल रहा है। तो ज्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉल कर लेना, मैं चाहता हूं दिल्ली में सबका अपना घर हो। और अगर मैं इस फ्लैट की डाउन पेमेंट की बात करूं तो इस फ्लैट की डाउन पेमेंट आएगी, हो सकता है 5 से 7 लाख की डाउन पेमेंट आ जाएगी, 7 से 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो ज्यादा डिटेल्स के लिए कॉल कर लो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।